बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पे पेंशन टैक्स। मैं आज आपकी तवज्जो नहायत अहम इशू की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। प्राइवेट अदारों के तमाम मुलाजमीन और वर्कर्स EOBI के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं, ताकि मुश्किल वक्त और बढ़ापे में इनको और उनकी फैमिली को माली सहारा मुयसर आ सके। कारखाने, फैक्ट्रियां, रफाई अदारे, प्राइवेट स्कूल, डिपार्टमेंटल स्टोर, तजारती व सिक्योरिटी कंपनियां, जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग मुलाजम हैं, मालकान और मुलाजमीन यानी आजर और अजीर दोनों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अलबत्ता जुलाई 2008 के बाद कायम होने वाले ऐसे सनती या तजारती अदारे भी रजिस्टर्ड होंगे, यहाँ कम से कम 5 लोग मुलाजमत करते हों। इन अदारों और मुलाजमीन को रजिस्टर करके वक्त आने पर मुलाजमीन और कारकुनों को पेंशन या ग्रांट दी जाती है। ऐसे मुलाजमीन जिनका कंट्रीब्यूशन यानी तनख्वाह से कम से कम कटौती उजरत का 1% EOBI के पास जमा होगा, मर्द मुलाजम 60 साल की उम्र से और खवातीन मुलाजम 55 साल की उम्र से पेंशन या ग्रांट के हकदार बन जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में EOBI के इलाकाई दफातर मौजूद हैं, वहां से फार्म हासिल करके रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। अब रजिस्टर होने पर मुलाजम कारकुन या उसके पसमानदगान को जो मुराद मिल सकती हैं, इनका तफसील से जिक्र करते हैं। नंबर 1, ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। ये पेंशन उन रजिस्टर्ड मुलाजमीन को अदा की जाती है जिन्होंने कम से कम 15 साल काबले बीमा मुलाजमत की हो, यानी उन्होंने 15 साल मुलाजमत के दौरान कंट्रीब्यूशन की हो। मर्द कारकुन 60 साल उम्र से, खातून मुलाजम 55 साल की उम्र और कानकुन भी 55 साल की उम्र होने पर पेंशन के हकदार होंगे। नंबर 2, माजूरी पेंशन, इनवैलिडिटी पेंशन। अगर 5 साल से रजिस्टर्ड शुदा मुलाजम किसी गैर पेशा वाराना माजूरी की बिना पर 2/3 या इससे ज्यादा माजूर हो जाए, तो जब तक ये माजूरी बरकरार रहेगी इसको माजूरी की पेंशन मिलती रहेगी। अलबत्ता अगर माजूरी 5 साल तक बरकरार रहे या पेंशन की उम्र को पहुंचने तक भी किसी मुलाजम की माजूरी कायम रहे, तब माजूरी पेंशन ताहयात ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन में तब्दील हो जाएगी, यानी उसको मजदूरी पेंशन की बजाय ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन मिला करेगी। नंबर 3, पसमानदगान पेंशन, सर्वाइवर्स पेंशन। अगर किसी मुलाजम या कारकुन ने 36 माह काबले बीमा मुलाजमत पूरी कर ली हो और वो फौत हो जाए, तो उसकी शरीक हयात को ताहयात पेंशन मिलेगी। अगर मुलाजम पेंशन लेने के बाद फौत हो जाए, तब भी इसकी बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी। पेंशनर और बेवा पेंशनर दोनों की वफात की सूरत में इनका बेटा 18 साल की उम्र तक या बेटी 18 साल उम्र या शादी होने तक जो भी पहले आ जाए, पेंशन के हकदार होंगे। नंबर 4, ज़ईफ़ुल उम्री ग्रांट, ओल्ड एज ग्रांट। ये ग्रांट उन तमाम रजिस्टर्ड मुलाजमीन को दी जाती है जिन्होंने कम से कम 2 साल काबले बीमा मुलाजमत मुकम्मल कर ली हो, यानी उनकी मुलाजमत 2 साल से जायद और 15 साल से कम हो, उनको ज़ईफ़ुल उम्री ग्रांट मिलेगी। और उनकी उम्र 60 साल, खवातीन और कारकुनों की सूरत में उम्र 55 साल हो चुकी हो और उनको ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन ना मिल रही हो। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।